देखिए आपका इनाकाद किया है तो उसमें भी बातचीत होगी, डायलॉग होगा जम्मू कश्मीर के हवाले से। हमें ये मालूम नहीं है कि उनका क्या एजेंडा है, पर हमारा अपना एजेंडा क्या है उससे हम बखूबी वाकिफ हैं और आप लोग भी वाकिफ हैं। हम समझते हैं कि जो 2019 5 अगस्त को हुआ जम्मू कश्मीर के साथ, जिस तरह जम्मू कश्मीर की जो खसूसी पोजिशन है उसको ख़त्म किया गया गैर कानूनी तरीके से, गैर आइनी तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ जम्मू कश्मीर में जो लोग पहले दूर हो गए थे अब वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। यहाँ लोगों में जो है बहुत तकलीफ है, गुस्सा है और मायूसी है। तो हम इन चीज़ों के बारे में वहाँ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर में जो ये जो सख्ती है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर दबाव है कि कोई भी बात करता है चाहे वो जर्नलिस्ट हो, आम आदमी हो, तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसी तरह जो नुकसान हुआ है हमारा पिछले 2 साल में 370 की वजह से, उसके बाद दूसरी कोविड वगैरह की वजह से, जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ़ है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, टूरिस्ट वाले हैं या रोज़ जो मज़दूर है या बाकी हैं, ये बातें तो बात की हैं, इसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। पर असली हमारा मुद्दा जो है 370 और 35A को जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से ख़त्म किया गया है, तो हम उसके बारे में उसके रेस्टोरेशन की बात करें। तो मैं भाजी बात ये तो वहाँ आपका एजेंडा नहीं है, वहाँ तो पहले जम्मू कश्मीर के बारे में ही हम बात करेंगे ज़्यादा। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं था, सिर्फ ये था कि मैं चाहती थी कि हम जो बातचीत से पहले हमको जो कैदी हैं जो जम्मू कश्मीर में और मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में हमारे लोग बंद हैं, चाहे वो सियासी लीडर हैं चाहे वो आम हमारे नौजवान हैं, तो उनको रिहा किया जाए, या जिनको रिहा नहीं कर सकते आप, जिनके ख़िलाफ़ कोई संजीदा एलिगेशंस हैं, उनको कम से कम जम्मू कश्मीर शिफ्ट कर लें, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं जो चंदा इकट्ठा करके अपने बच्चों से मिलने के लिए चले जाते हैं, तो उससे ये बहुत तकलीफ़देह चीज़ है। इसके बारे में मेरी बात हुई, मैंने उनको कहा कि उनको कम से कम कुछ एतमाद साजी के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने चाहिए थे जो नहीं हुए हैं, पर अब इस वक्त हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे ये जो एक बातचीत का अमल शुरू हो रहा है उसमें कोई रुकावट बने, और कल को ये कहें कि जी किसी ने इसमें रुकावट बन के ये पीस प्रोसेस या डायलॉग प्रोसेस को स्कटल किया। तो इसलिए हम जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ जाके हम अपनी बात खुल के करेंगे और उनकी बात भी